मेरा आज सबसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ही इसरो ने बाहुबली का महाकाशयान छोड़े हैं, इसलिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज बजट के ऊपर हमारा निर्मला सीतारमण जी जो बजट किया है, इसका ऊपर बोल रहे कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, क्या यहां पे जो सांसद मुस्लिम वाले बैठते हैं वैक्सीन का टाइम कोविड का टाइम टीका नहीं लिया क्या? वो वहां पे कोई प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम बांट किया है? नहीं किया है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में, हमारा जो एमएसएमई में कहां पर भी हिंदू मुस्लिम का भाग हुआ है? नहीं है। लेकिन कांग्रेस वालों और हमारा विरोधी पक्ष का जितने सारे पार्टी है वो लोग सब सोचते हैं जमींदार का बेटा जमींदार होगा, राजा का बेटा राजा होगा और प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री होगा। ये क्या सिस्टम है? नहीं चलेगा भाई साहब। ये प्रधानमंत्री जी का अमृतकाल में देश आगे जा रहा है, कोई राजा का बेटा राजा नहीं है, कोई भातीजे का काम नहीं चलेगा। यहाँ पे स्वच्छ भारत विकास भारत सबसे काम चलेगा। कांग्रेस वालों ने 9 साल में 9 स्कीम किए थे, आप लोग जानते हैं, कोयला से लेके 2G से लेके अरुण से सब बड़े बड़े बात कर रहे हैं। मैंने बोलेंगे मैडम, हमारे पश्चिम बंगाल में 76,000 करोड़ ये पश्चिम बंगाल के लिए निर्मला जी ने प्रावधान किया है। आज हमारे पश्चिम बंगाल में इतने सारे काम हुआ, मेरा बिष्णुपुर में, मेरा बिष्णुपुर लोकसभा में आज NI-60 रोड का ओवरब्रिज, आज 116 है खड़गपुर टू मोसाग्राम नया हाईवे, मैनापुर टू कमारपुकुर में और नया रेल के लिए भी 101 करोड़ रुपया दिया। आज जितने सारे मंदिर भी हो रहा है, आज हमार मातृभूमि बांग्ला तो किसी बोलते हो, कारण एखे तृणमूल कांग्रेस बोल जो बांगलार जो कि करा মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র কিছুই না করলে বলছে রাজ্য দিচ্ছে না কেন্দ্র দিচ্ছে না। আজকে লজ্জা লাগে যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বাংলার আবাস যোজনা করে এই প্রকল্পটা চুরি করেছিলেন, কারণ চুরি করা ওদের নেশা, চুরি করা ওদের পেশা। তাই পশ্চিমবাংলায় এই তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় সরকার চুরিটাই তাদের প্রাধান্য দেয়। আমরা কলকাতা মেট্রোর জন্য 1,000 কোটি টাকা দিয়েছি, নিজেরা শুধু পিছিয়ে যাওয়ার জন্য, বাংলাকে পিছিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করে চলেছেন। আজকে পশ্চিম বাংলায় এডুকেশন স্ক্যাম কিডনি বড়ি আছে, মে বাঙাল সে আতে রবীন্দ্রনাথ কা বাঙাল। আজ কিয়া হো রহা, আজ বাঙাল মে শিক্ষা মন্ত্রী জেল মে হ্যায়। आज स्वगत राय जी हमारा सीनियर एमपी है, वो क्या बोल रहे पर्सनल बेटा किया। मैडम मेरे सिर्फ 2 मिनट हुआ है, नहीं मेरा 8 मिनट में एलोटेड है मैडम। तो मेरा स्वगत राय जी, हम बोलेंगे आप हमारा इतना बुजुर्ग है, इतना एजेड है, आप आपका नारोदा स्कैम में फंस चुका है, पैसा ले रहे। हम कोई नहीं झूठा नहीं बोल रहे, आप देखिए हम कोई झूठा नहीं बोल रहे, हमसे वही बोलेंगे जिसका इतना उम्र में एक डॉक्टर प्रोफेसर होने के बाद जो पैसा ले रहा है। पश्चिम बंगाल में पूरा भातीजा कलंकारी चल रहा है, कोल स्कैम में चलिए, आवास घोटाला में यहाँ पे प्रधानमंत्री भेजते हैं और वहां पे चोरी करने के लिए बैठा है। बस जितने सारे मंत्री है सब चोर चोर कह रहे थे। आज पश्चिम बंगाल में कोई भी नया स्कीम नहीं है, सिर्फ एक स्कीम है चोरी करना, चोरी करो और भातीजा को दो, चोरी करो और सब कुछ करो। आज वही बोलेंगे हमारा जो पश्चिम बंगाल में इतने सारे आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो रहा है ये गरीबों के लिए, लेकिन वहां पे भी काटमनी चलते मैडम। और वही बोलेंगे झूठ तो श्याल तृणमूल कांग्रेस होते झूठ तो श्याल और उन्हें मुख्यमंत्री झूठ तो श्याल।